गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम सब भी खैरियत से। आज आप लोगों की मुलाकात मैं करवाने लगा हूँ मेरे बहुत ही अजीज़, मेरे बहुत ही फेवरेट ट्वीट मेरे हैं फिशर्स, जिनका नाम रखा है ट्वीट। आज थोड़ा लेट इनको मैंने खोला है। इनकी एक मज़ेदारी की बात है, ये देखें इसकी बेचारी की थोड़ी सी चोंच, ये बाय डिफ़ॉल्ट है मेरे ख्याल से। ये हमारे पास बहुत पुराने हैं ये तोते, और इनकी एक मज़े की बात बताऊँ, ये तोते कम बर्ड्स कम, ये हमारे गार्ड ज़्यादा हैं। कोई ये देखें, मैंने ताला लगा के रखा हुआ, अब अगर ये दरवाज़ा थोड़ी देर तक तो खुला रह गया तो ये आपको अलग किस्म का साउंड पेश करेंगे। ये देखें ट्वीट, इनको बताओ आपकी वीडियो बन रही है, आपको मारा है आज किसी ने। ये असल में सारे से बहुत बातें करते हैं, सारों को पसंद नहीं थे लेकिन जब से ये यहाँ पे आए, इनको हमारे साथ हो गए हैं तकरीबन 6 साल। से पहले हम सारा को देखते हैं कि सारा कहाँ है। सारा अभी तक उठ ही नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट कॉफ़ी, बस हम लोग सुबह में कॉफ़ी पीते हैं ब्लैक पहले, उससे ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड रेट और बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो कंट्रोल में रहती है। अब देखते हैं सारा मैडम। सारा मैडम तो अंधेरा करके सो रही हैं। एक मिनट, सारा सारा देखो कोई आया है, देखो तो सही। अल्लाह, वीडियो बनाने लग गए फिर से सरप्राइज। हाँ, उठो 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 उठो, जल्दी करो। मैंने वो रख दिया है कॉफी का पानी। उठी भी नहीं हूँ यार। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बस बहुत है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह उठा दिया है यार, अभी उठती हूँ। तो सुबह सुबह उठते हैं। अच्छा, तो उठा दिया उनको, आज ट्वीट लो की भी वीडियो बनाई है, ट्वीट ने इंटरव्यू भी दिया थोड़ा सा। अच्छा, ये लाइट तो ऑन करें। सुबह सुबह उठा दिया, अभी ब्रश भी नहीं किया, मुंह भी नहीं धुला, कुछ भी नहीं हुआ, उठा दिया। कैसे व्यूअर्स, आप लोग सब ठीक ठाक? उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है। आई होप कि आप लोगों की भी अच्छी हुई होगी। बस अभी उठते हैं, आज हमारे एलन जी ने सुबह ही उठा दिया मुझे। अब कॉफ़ी भी नहीं आपने? अच्छा, मैं ब्रश कर लूँ फिर हम बनाते हैं कॉफ़ी। चले जी, मिलते हैं। अब हमारा कॉफ़ी का टाइम, ब्रश व्रश करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाथरूम जाती हूँ पहले। ओहो, आपने तो मेरी प्रिपरेशन करी है यार। कॉफी ब्रश करो, जल्दी से आओ यार। हाँ बस मैं आती हूँ। अच्छा, मैं फिर से ब्रश करके आती हूँ, 2 मिनट में। चले जी, कॉफ़ी तो बने, इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ, थोड़ी और डाल देती हूँ जी। कॉफ़ी का पानी जैसे कि रख चुके थे एलन, अब बस कॉफ़ी भी थे। कॉफ़ी पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं सुबह सुबह, और अभी थोड़ी गर्मियाँ तो आ चुकी हैं लेकिन ये इतनी नहीं है गर्मियाँ अभी, लेकिन देखिए अभी ब्लैंकेट लेके हम सो रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें डालती हूँ लेमन अपनी कॉफ़ी में, इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे लेमन अच्छा लगता है सुबह सुबह कॉफ़ी में पीना। और जी, मैं अपनी कॉफ़ी में ना लेमन डालती हूँ, वो लेमन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या पता होगा, कॉफ़ी के बहुत सारे फवायद भी हैं और लेमन डालने का भी एक है, मतलब क्या है वो रीज़न, वो ये रीज़न है कि तो वेट भी कम होता है, दूसरा ये कि जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर पेशेंट्स हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी फवायद हैं। और दूसरी और क्या होता है एलन, आप बताएं? बस ये बॉडी के एक्स्ट्रा फैट्स को रिड्यूस करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। बेसिकली हाफ टीस्पून कॉफ़ी और हाफ लेमन, इसको आप ब्लेंड कर लें, पेस्ट बना लें जैसे हम उसका बनाते हैं दूसरी कॉफ़ी का, उसके बाद इसके अंदर आप गर्म पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ें पेस्ट बनाकर, गर्म पानी डालकर, और आधे घंटे के बाद कवर करके रखें इसको, और आधे घंटे के बाद एक क्या कहते हैं इसको टीस्पून हनी का आप इसमें डाल के और फिर पिएं, उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स देखें। इसका कोई एज सच साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये दिन में एक दफ़ा आप कर सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी हम लोग मोस्टली क्या है कि सर्दियों में
तीन से चार दफा पी लेते हैं, पी लेते हैं हम लोग, और इसका कोई वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है कोई इसका। ये आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है या जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस कर देता है। अच्छा, मैं चीनी तो लेती नहीं हूँ, तो मैं हस्बैंड चीनी लेते हैं, मतलब एलन चीनी ज़्यादा लेते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, वैसे मीठा बहुत शौक, हम लोग वैसे मीठा लवर्स हैं हम लोग बहुत, लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शुगर है, उसके बावजूद भी जो है ना मैं मीठा बहुत शौक से खाती हूँ। तो वाले मुझे बोलते सारा मीठे पे कंट्रोल करो, लेकिन कंट्रोल होता नहीं है सचमुच। तो ये असल में लड़ रहे थे, तो इस वजह से हमने इनकी मटकियाँ अलग अलग कर दी, क्योंकि इनका मसला ही मटकियों के पीछे रोना था। ये देखें कैसे हैं आप लोग, टीटी टीटी। ये वाला नया फ्रेश आया है, और ये जो है मेरे पुराने जी, ये देख कुछ सकते खाया हैं आप लोगों ने, तीन मटकियाँ लगा दी गई हैं, पूरी रात इसको बेचारे को बाहर रखा हुआ था इन्होंने, और मैं भी टेंशन में था। अभी ये नया है ना, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, परेशान। ये देखें वो देखें, वो दोनों अंदर बैठे हैं छुपके, भाई देख सकते हैं आप, वो दोनों अपनी मटकी में कब्जा करके बैठ चुके हैं। अरे बाप रे, तो आप इधर बैठ जाओ ना बेटा, इसमें आ जाओ ना। इन्होंने क्या करा कि इसकी मटकी ये वाली में लेकर आया, देखा आपने कितनी गंदी हो रही है, ये इसका पुराना घर था, ये मटकी के साथ ही मैं इसको लेकर आया हूँ, अब इन्होंने इसकी मटकी के ऊपर कब्जा कर लिया। ये देखेंगे भुट्टा खाते हैं, धनिया पुदीना सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी भी खाते हैं, फ्रूट्स तकरीबन सारे खाते हैं, मुझ पे गए ये सारा के पर गए। ये मेरे टोटे मुझ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है सारा अभी तैयार होते हैं, बस निकलते हैं बोर्ड ऑफिस के लिए। हम जा रहे हैं, तो फिर ये हम आपसे मिलते हैं अभी बोर्ड ऑफिस, बाहर के सारे काम करके हम घर आते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो मैया रखिएगा, मेरा बहुत सारा प्यार आप लोगों को। बाय बाय बाय।